कहते हैं कि इंसान के पास चाहे जितनी भी दौलत आ जाए, लेकिन उसकी ख्वाहिश कभी पैसों के मामले में पूरी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा पैसे का लालच इंसान को कई बार ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जिसे शायद आप सोचकर भी घबरा जाएं। फिर चाहे पैसों के लिए वहशियाना कदम को उठाने में उसे अपनों का ही खून क्यों ना बहाना पड़े। दरअसल कुछ ऐसा ही सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला मेरठ से सामने आया है, जहां एक दामाद ने पैसों के लालच में अपनी सास और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मगर कहते हैं ना कि अपराधी भले ही कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से बच नहीं सकता। दरअसल मेरठ के शास्त्री नगर में रविवार को हुई नानी और नवासी की हत्या और 60 लाख की लूट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक महिला के दामाद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना नौचंदी के अंतर्गत कल प्रातःकाल एक ही घर से 2 शव बरामद हुए थे, जिसमें एक बुजुर्ग महिला 60 वर्षीय थी और उनकी जो नातिन है लगभग 12 वर्षीय थी, और इसमें धारदार हथियार से उन दोनों की हत्या की गई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर जो हमारी जो अन्य टीम है उनको लगाया गया। लगभग 5 टीमें इस पूरे घटना के अनावरण के लिए लगी हुई थी और इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्यतः जो इसमें 12 वर्षीय लड़की है उसका जो एक सौतेला पिता है उसका रोल आया है, और साथ में उसके जो 3 पड़ोसी हैं, इन 3 पड़ोसियों के द्वारा ये हत्या इसमें कारित की गई है। और इसमें इनका जो मुख्य उद्देश्य था पैसे के लालच में, इनको जानकारी थी कि घर के अंदर काफी अधिक पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को हड़पने की नीयत से इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। SSP मेरठ रोहित सिंह सजवाण ने इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि शास्त्री नगर जी ब्लॉक निवासी रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रतन सिंह की पत्नी कौशल और उसकी निवासी तमन्ना की रविवार देर रात घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद SOG और सर्विलांस समेत 5 टीमों का गठन किया गया। पुलिस को मृतका के दामाद पर हत्या मामले में शक था क्योंकि दामाद बार बार अपना बयान बदल रहा था। पुलिस ने जब दामाद को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने बताया कि दामाद ने ही पैसों के लालच में सास और सौतेली बेटी की हत्या कराई। पुलिस ने लूट के 40 लाख और करीब 20 लाख के जेवरात बरामद कर लिए हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इस पूरे प्रकरण में जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए उसमें ईशु पुत्र करण सिंह, जिसके ऊपर पूर्व में NDPS के मुकदमे भी दर्ज है, इसके अलावा इसमें रिंकू जिसका पड़ोसी है, विशांत और दीपक, ये 4 ही लोगों के द्वारा इसमें धारदार हथियार से चाकू से इसमें हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें घटनास्थल से जो DVR और मोबाइल फोन यहाँ से गायब हो गए थे, जिनको ये वहाँ से साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से ले गए थे, उनकी तीनों ही की निशानदेही भी बरामद किया गया। साथ ही साथ लगभग 40.5 लाख रुपए के आसपास का नकदी बरामद की गई है, और इसके अलावा जो ज्वेलरी है उसका वैल्यूएशन करा रहे हैं तो 15 से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी होनी चाहिए। ये सभी चीजें इनके माध्यम से बरामद की गई हैं। इन 4 ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि इनके द्वारा ये लाभ की प्राप्ति के लिए ये घटना की गई है तो गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें जो मुख्य मास्टर माइंड है इसमें 2 लोग मुख्यतः है, इसमें ईशु पुत्र करण सिंह और साथ ही साथ इसमें जो रिंकू अभियुक्त है, और ये पता चला है कि 4 ही लोग अवैध ड्रग्स बेचने का भी कार्य करते हैं और इसीलिए इनकी जान पहचान बहुत अधिक है और आपस में बहुत अधिक ये घुल मिल गए थे और ये परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रत्येक दिन लगभग हर दूसरे दिन ये घर के अंदर आते थे और उनसे बात करते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ये 4 ड्रग्स बेचने के कारोबार में भी संलिप्त है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस दोहरे हत्याकांड में मृतका की बेटी की भूमिका की भी जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में मृतका की बेटी भी संलिप्त हुई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।